आज आटा दाल आलू से ये जो मैंने ऐसा अनोखा नाश्ता बनाया है ये आपको बेहद पसंद आएगा। आप चाहें तो इसे मैदा से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसे बनाया है गेहूं के आटे से बहुत ही हेल्दी तरीके से। ये नाश्ता बच्चों को भी खूब पसंद आएगा। इतना टेस्टी है कि आप बनाते थक जाएंगे, बच्चे खाते नहीं थकेंगे, इतना पसंद करेंगे। बनाने में एकदम आसान है, इसे आप बेक भी कर सकते हैं और चाहें तो सैलो फ्राई करके भी बना सकते हैं। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक बड़े बर्तन में ले रही हूँ 2 कप गेहूं का आटा। आप चाहें तो इसे टोटली मैदा से भी बना सकते हैं, या आधा गेहूं का आटा और आधा मैदा भी ले सकते हैं। गेहूं के आटे से ये ज़्यादा हेल्दी रहेगा। आधा चम्मच डाल देंगे नमक। अब 4 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ घी। घी डालने से नाश्ता बहुत ही खस्ता बनेगा। अब घी को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसल मसल कर हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हल्के गर्म पानी से हमें इसका डो बनाना है। आटा हमें सॉफ्ट गूंथना है, हार्ड नहीं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसका मुलायम डो बनाना है। डो हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब इसे हम ढक करके साइड में रख देंगे और अब गैस पर चढ़ाएंगे कढ़ाई या पैन और इसमें डालेंगे 2 चम्मच ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा। जीरा को थोड़ा सा भून लेंगे और फिर डाल देंगे हल्दी पाउडर। 1/2 चम्मच में डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, बढ़िया कलर के लिए। फ्लेम को मैंने एकदम धीमा किया हुआ है। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जाएगा अमचूर पाउडर, थोड़ा सा जनरल मसाला, किचन किंग डाल सकते हैं या सब्जी मसाला भी डाल सकते हैं, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा काला नमक। सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा भून लेंगे। इस तरह से पहले मसाला भून लेने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब यहाँ मैंने लिए हैं 5 उबले हुए आलू, जिन्हें मैंने ग्रेट कर लिया है। मसाला को हल्का सा भून लेने के बाद हम इसमें डाल देंगे आलू। आलू आप ग्रेट करके ही लें, आलू में गांठें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अच्छे से कर लेंगे इसे मिक्स और इसे थोड़ी देर भून लेंगे। मैंने इसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं इस्तेमाल किया है जो आपको घर में ना मिले, और जो सभी नॉर्मल घर में खाते हैं वही चीज़ें मैंने यूज़ की हैं। बस बनाने का तरीका डिफरेंट है, जिससे कि ये नाश्ता सभी को बेहद पसंद आएगा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कटोरी मूंग की दाल। इसे मैंने पहले पानी में भिगो दिया था और फिर इसे बॉयल कर लिया है। दाल डालने से नाश्ता हमारा हेल्दी बनेगा और इस तरह से बच्चे दाल आसानी से खा भी लेंगे और साथ ही मसाले का टेस्ट भी बढ़ जाएगा। और अगर आप इसे ना डालना चाहें तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। अब थोड़ी देर हम इसे और भूनेंगे और अब हमारा मसाला बनकर तैयार है। इसे हम निकाल लेंगे 1 प्लेट में और पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। इधर आटा जो हमने गूंथ करके रखा था ये भी अच्छे से सेट हो गया है। इसे हम एक बार मसल लेंगे और फिर इसकी लोई बनाएंगे और फिर हम इसे बेलेंगे। इसे लंबाई में हमें बेलना है। जितना पतला आप इसे बेलेंगे उतना ही ज़्यादा नाश्ता हमारा बढ़िया बनेगा। अब बीच में रखेंगे बनाया हुआ आलू का मसाला। इसे इस तरह से बीच में लंबाई में रख करके फैला देंगे। ऊपर से इसे पलट देंगे, नीचे से भी पलट देंगे और पानी लगा करके ओवरलैप कर देंगे। अब इसे रोल कर लें। रोल करने के बाद बीच में फिंगर से इस तरह से दबा देंगे
फिर मोड़कर इसे बीच से आधा कट कर लें। पूरा कट नहीं करना है हमें। जैसे ही आप इसे कट करेंगे, एक बढ़िया सी डिजाइन आपको मिलेगी। इसे हल्के हाथ से या फिर बेलन से आप इसे थोड़ा सा बेल लीजिए। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़े से सफ़ेद तिल और थोड़े से काले तिल। तिल से लुकिंग भी अच्छी आएगी और इसका क्रंच खाने में बहुत ही बढ़िया लगेगा। एक बार बेलन और चला दें जिससे कि तिल इस पे चिपक जाए। अब इसी तरह से हम सभी को बना करके तैयार कर लेंगे। और यहाँ हमने सारे ही स्नैक्स की शेप बना करके तैयार कर ली है। अब यहाँ हमने इसे फ्राई करने के लिए एक पैन में लिया है थोड़ा सा ऑयल। इसे डीप फ्राई नहीं करना है, बस सैलो फ्राई करना है। ऑयल गर्म होते ही हम इसमें बनाए हुए नाश्ते को रख देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे। धीमी आंच पर ही इसे फ्राई करना है जिससे कि ये अंदर तक पक जाए, क्योंकि काफ़ी सारी लेयर हैं इसमें, आपको इस बात का ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से सिक रहे हैं। इसी तरह से हम इसे अलटते पलटते गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। अब जैसे मैंने आलू से फिलिंग बनाई है, आप चाहें तो पनीर से भी बना सकते हैं। जैसे भी आप पसंद करें फिलिंग बना सकते हैं। ये देखिए क्या मस्त कलर आया है इसमें, देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। खूब सारी लेयर हैं इसमें। अब हमारा नाश्ता फ्राई हो गया है तो इसे हम निकाल लेंगे और अब इसी तरह से हम बाकी बचे हुए नाश्ते को भी फ्राई कर लेंगे। और यहाँ हमारा ये बैच भी तैयार हो गया है। तो ये लीजिए हमारा बहुत ही लाजवाब झटपट बनने वाला मल्टी लेयर गेहूं के आटे से बना हुआ नाश्ता है बिल्कुल तैयार। देखने में बहुत ही सुंदर और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। क्रिस्प देखिए इसका, बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरे बने हैं। और ये देखिए इसका टेक्सचर, इसकी एक एक लेयर आप देख सकते हैं। ये नाश्ता आपके यहाँ बच्चे बड़े सभी बहुत ही मन से खाएंगे। मस्ट ट्राई रेसिपी है फ्रेंड्स, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय।